क्वेश्चन ये है कि स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक्स हैं जिसका मास m1 और m2 के इक्वल है, वेयर m2 इज ग्रेटर देन m1। दोनों ब्लॉक के बीच एक इंसेक्ट है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि केस वन और केस टू में किस केस में इंसेक्ट के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। केस वन में हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ m2 ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है और केस टू में हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ m1 ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि जिस केस में ब्लॉक के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स मिनिमम होगा उस केस में इंसेक्ट के सर्वाइव करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम केस वन में दोनों ब्लॉक के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ये स्मूथ ग्राउंड है, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m2 एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m1। राइट डायरेक्शन में m2 पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम, फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें m1 और m2 के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि m1 और m2 के बीच यहां पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो n1 के इक्वल है। ठीक है, ये m1 ब्लॉक है और इस पर इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स n1 अप्लाई हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में एक इक्वल है। सो वी हैव n1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया। ठीक है, अगेन केस टू में भी हम दोनों ब्लॉक के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये m2 ब्लॉक है, इधर m1 ब्लॉक है और लेफ्ट डायरेक्शन में m1 ब्लॉक पर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगेन सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं p डैश के इक्वल है। वी हैव ए डैश इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। ठीक है, अगेन m1 और m2 के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको हम n2 मान लेते हैं। अब हम किसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगेन हम m2 ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो m2 ब्लॉक पर m1 कॉन्टैक्ट फोर्स n2 अप्लाई कर रहा है, इस तरफ m2 फोर्स अप्लाई होगा m2 ब्लॉक पर और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में a डैश के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक m2 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक m2 इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज a डैश और a डैश f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि n1 और n2 में कौन मिनिमम है। जो कम होगा उसी केस में इंसेक्ट का जो सर्वाइविंग चांस है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर m2 m1 से बड़ा है, सो दिस इंप्लाई दैट n1 विल बी लेस देन n2। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, f दोनों में सेम है, लेकिन m2 जो है वो m1 से ज्यादा है इसलिए n2 n1 से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि पहले केस में इंसेक्ट के सरवाइव करने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया और इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है
कि मान लेते हैं कि बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, और ये मान लेते हैं पेन है, ये पेन है, और यहां पर मान लेते कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट यहां पर है, और हम इस पेन को इस ब्लॉक के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, ये पेन है और बीच में यहां पर इंसेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम इंसेक्ट को मारना चाहते हैं तो या तो हम पेन को पुश कर सकते हैं या तो हम ब्लॉक को पुश कर सकते हैं। तो किस केस में हम इंसेक्ट को आसानी से मार पाएंगे? तो अगर हम पेन को पुश करते हैं उस केस में हम इंसेक्ट को आसानी से मार पाएंगे, लेकिन अगर हम यहां पर ब्लॉक को पुश करते हैं तो इंसेक्ट को मारना मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब जब हम फोर्स बिगर मास पर अप्लाई करेंगे उस केस में इंसेक्ट का जो सर्वाइविंग चांसेस है वो ज्यादा है, मतलब इंसेक्ट के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम देख सकते हैं कि केस वन में ही हम बिगर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बिगर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इंसेक्ट के जो दोनों के बीच में है उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जांपल से हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि केस वन में इंसेक्ट के सर्वाइविंग चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, थैंक यू।